शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन। मेरी राखी भी भैया ने बांध ली होगी। पोस्टमैन। पिताजी, भैया की चिट्ठी आई है। प्रकाश की चिट्ठी? कितनी लंबी उम्र है मेरी राखी की, अभी याद किया और अभी चिट्ठी आई। सही था। और क्या लिखा प्रकाश ने? मेरी प्यारी प्यारी बहन गीता, तुम्हारी भेजी हुई खूबसूरत राखी मिल गई। ये मेरी जिंदगी की पहली राखी है जो तुम अपने हाथ से नहीं बांधोगी। कुछ अजीब सा लग रहा है, आगे पढ़ना। इन दिनों पढ़ाई बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, इसलिए चिट्ठी देर से लिख रहा हूँ। पहले पढ़े, पहले पढ़े। पिताजी ने बहुत दिनों से चिट्ठी नहीं लिखी, उनकी सेहत कैसी है? देखा कितनी बार कहा कि चिट्ठी लिखो, लेकिन बेटा का ख्याल हो तभी ना। तभी ना, तभी ना। वक्त नहीं मिला, क्या करूँ तुम? और मेरे बहादुर मामा का क्या हाल चाल है? एकदम फर्स्ट क्लास। उन्हें कहना उनका दिया हुआ हनुमान चालीसा मैं हर रोज पढ़ता हूँ। बजरंगबली। मामा को मेरी तरफ से पाए लागू। जुग जुग जियो मेरा शेर। माँ से कहना वो मेरी चिंता न करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगले हफ्ते मेरे इम्तिहान शुरू होंगे, उम्मीद है मैं पास हो जाऊंगा। पास क्या, तुम अव्वल आओगे मेरे बेटे, तुम्हारी माँ ने संतोषी माँ को पास रखा हुआ है। जय संतोषी माँ, जय संतोषी। मेरी तरफ से सबको प्रणाम, तुम्हारा भाई प्रकाश। प्यारे भैया, तुम्हारे बगैर घर बहुत सुना सुना लगता है। हम सब उस दिन की राह देख रहे हैं जब तुम वापस आओगे। घर भर की आंखें तुम्हारी तरफ लगी हुई हैं। हर हफ्ते एक चिट्ठी जरूर लिखा करो ना। तुम्हारी चिट्ठी आने से आने वाले अच्छे दिन करीब आते महसूस होते हैं। और हाँ, अपनी जाने मन को भी चिट्ठी लिखते हो या नहीं? बताओ, हमारे होते हुए हमारी गुड़िया का दिल किसने जीत लिया? अरे बाबा, तुम्हारी गुड़िया इधर नहीं, उधर है। चलो उधर। अब ठीक है, खेलो। मेरी नटी गर्ल, नटी गर्ल। अच्छा ये बताओ, ये चिट्ठी वाला कौन है, किधर रहता है? अमेरिका में। हाँ, अमेरिकन है क्या? नहीं, है तो इंडियन, मगर वहाँ पढ़ने गया है। जब ये अमेरिका से लौटे तो इसको हमारे सामने पेश किया जाए, हम उसका इंटरव्यू लेंगे। काका, तुम आगे पार्क कर लो, मैं एक फोन करके आता हूं। कानपुर के बूट चाहिए, कोल्हापुर की चप्पल चाहिए, या आगरे के लोफर शू? अरे सेठ, अपन की तरफ क्या देखता है, जूतों की तरफ देखो ना। तुम गीता नहीं हो? गीता? लगता है सेठ तुम धोखा खाएला है, अपन का नाम गीता नहीं, सीता, सीता भूट कर। आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा। अरे अरे सेठ, सीता बूटकर से रूटकर कहाँ जाता है, इकड़े बसा। फसा? हाँ बसा बसा। फसा फसा फसा। बोलो, तुला काय पाहिजे? अच्छा सा जूता। हाँ हाँ, बरा बरा। शक्ल कितनी है? चोर मचाए शोर, नो नंबर। सेठ, ये फॉरेन में एक्सपोर्ट होने वाला माल है, फ्लेक्सिबल और रिलैक्सिबल। ये घिस तो सकते हैं मगर फट नहीं सकते। आजकल के प्रेमी लोग जब अपनी प्रेमिका से मिलने जाते हैं ना, तो यही बूट पहन के जाते हैं। वो क्यों? इसलिए कि ये आवाज नहीं करते, किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती है कि
कौन किससे मिलने जाता है। ओ। पहन के देखो सेठ। मगर ये जूता तो बहुत खुला है। ए सेठ, तुम्हारा पांव जूते में नहीं, जूते के डिब्बा में है। आप जल्दी से एक जोड़ी डिब्बा जूते में बांध दीजिए। आंटी, 9 नंबर चोर मचाए शोर, बिल बना दो। ₹8 बिल। थैंक यू। अरे सेठ, योर बैलेंस। आंटी, सेठ आउट ऑफ बैलेंस हो ले। पन दिक्री, दिक्रो गना सारो छे। पन आंटी, दिक्रो मारो छे। सु? एम के? गीता, क्या तुम्हारी कोई जुड़वा बहन है? सीता? सीता? जुड़वा बहन? मेरी? ये आज तुम कैसी बातें कर रहे हो? जरा याद करो गीता, तुम्हारी बहन बचपन में तुमसे बिछड़ गई हो, फिल्म सीता और गीता की तरह। मुझे लगता है तुम्हारे होश तुमसे बिछड़ गए हैं। हुजूर, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, मैं अपने माँ बाप की एक ही बेटी हूँ, अपने भैया की एक ही बहन हूँ और अपने रंजीत की एक ही गीता। अंडरस्टैंड? मगर ये सीता कहाँ से आ टपकी? गीता, तुम्हारे पिताजी का चरित्र, मेरा मतलब है कि चाल चलन तो। यू? बेशरम कहेंगे। अरे सॉरी 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 गीता, यकीन मानो तुम उसे देख लो तो तुम भी अपने आप को भूल जाओ। उसे देखती है मेरी ज्योति। मैं पूछती हूँ, आखिर उस चुड़ैल में ऐसी क्या बात है जो मुझ में नहीं है? अरे क्या बताऊं, तुम बरखा हो तो वो बिजली है, तुम हवा का झोंका हो तो वो आंधी है, तुम स्वीट हो तो वो नमकीन है। नमकीन? आजकल आपको नमकीन चीजें बहुत ज्यादा पसंद आने लगी हैं। कहाँ वो जादूगरनी, मैं उसका मुंह नोच लूंगी। अरे अरे अरे, गुस्सा नहीं करते डालिंग, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? आईना है कि है कातिल के मुकाबिल कातिल, मुझको डर है कहीं लड़ जाए ना कातिल कातिल। सेठ, ये फॉरेन में एक्सपोर्ट होने वाला माल है, फ्लेक्सिबल और रिलैक्सेबल। ये घिस तो सकते हैं मगर फट नहीं सकते। कहाँ वो जादूगरनी, मैं उसको मुंह नोच लूंगी। आजकल के प्रेमी जब अपनी प्रेमिका से मिलने जाते हैं तो यही बूट पहनते हैं। वो क्यों? इसलिए कि ये आवाज नहीं करते, किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती कि कौन किससे मिलने जा रहा है। मुझे कुछ तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं दिखाई देते, मेरी मानो तुम जल्दी से शादी कर डालो। मासी, तुम्हें मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है? मैंने मालकिन को वचन दिया था कि मैं तुम्हें पालूंगी पोसूंगी, शादी होने तक तुम्हारी देखभाल करूंगी और फिर अपने गांव चली जाऊंगी। अब एक वचन मुझे भी दो। क्या? इस बिन माँ के बच्चे के बच्चों को भी पालोगी और जब तक उन सब की शादी नहीं हो जाती
उनकी देखभाल भी करोगी। बेशरम कहीं का। मासी, तुम इस घर की नौकरानी नहीं, मेरी माँ की तरह हो। मैं तुम्हें कहीं नहीं, कभी नहीं जाने दूंगा। हेलो लॉर्ड, मैं गीता का फोन से बात कर सकता हूँ? होल्ड ऑन प्लीज। गीता, तुम्हारा फोन। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं गीता कपूर बोल रही हूँ। नमस्ते। नमस्ते। हेलो, हेलो,